केक जो है वो आपका फ्रेश ग्रीन केक जो इतना बेसिक केक है वो डिफरेंट होना चाहिए उन लोगों से जो ऑलरेडी ये केक्स दे रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग कहें ना, मतलब जब भी आप एक्स वाई ज़ेड कोई ब्रांड शुरू करती हैं। और ये आपने जितना भी वर्कलोड होना, जितना भी हो आपके पास 10 केक अलग बॉल में तोड़ के डालने, बेहतर नहीं कि अगर आपके 6-5 अंडे बाकी के ऐसे एक अंडा ख़राब होने की वजह से 5 अंडे तो ज़ाहिर ही ना होंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप इसके देखें ताकि आप हाइजीन के ऊपर भी कॉम्प्रोमाइज़ ना कर सकें, मतलब ना करें, और आपका प्रोडक्ट भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट बन के निकले। मैंने ये 200 पे सेट कर दिया इसको, अब इसके ऊपर इसको बेक होना चाहिए। यहाँ पे जब तक 200 नहीं ना आता, अगर 200 से ज़्यादा आ जाए, 220 तक खैर है, और 220 से ना ज़्यादा हो और 200 से कम ना हो, ठीक है, 350 पे कर दे। अब जब ये बेक हो रहा है ना तो इसका टेम्परेचर खुद ही 200 पे कर ले। आपने इसको काटना है, घुमाना है, फिर यूं काटना है, फिर घुमाना है, और फिर यूं काटना है, मतलब आपको इस तरह काटेंगे जैसे छोटे मोटे हैक्स हैं, आप स्टिक्स यूं लगाते हैं, थ्रेड से उसको कर लेते हैं। बोर्ड पहले से रख लेना है, ठीक है, क्योंकि बाद में आप केक उठाएंगे कोई ना कोई मिस आप हो जाता है, केक गिर जाता है, केक की मतलब नीचे से बॉर्डर्स खराब हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मेरे साथ आज तक होता है। तो इसको यहाँ पे आपने सेंटर में रखना है, ये किया, फिर यूं किया, ऐसे किया, उसके बाद फिर इसको घुमा के ये सारा आपका केक अब कट गया, ठीक है, अल्लाह के अंदर से अच्छा निकला, देख तो ठीक हुआ, ये आपका बिल्कुल लेवल होके निकला है। अब ये केक जहाँ से नीचे होगा ना, आपने वो उसकी छोटी वाली साइड बड़ी वाली साइड के ऊपर रखनी है, ताकि आपका केक लेवल हो, आपका केक एक साइड से यूँ गिरा हुआ ना हो, ठीक है। अगर आपने लाइट करना है तो आप लाइट करने, पेल येलो करना है तो आप पेल येलो कर लेंगे, डार्क येलो करना है तो चॉइस इज ऑल योर्स। चलिए, इस कंसिस्टेंसी में आपने ये क्रीम कभी भी नहीं डाली, ठीक है, इस कंसिस्टेंसी के अंदर अगर आप डालेंगी ये और लिक्विड हो जाएगी, और नहीं हो जाएगी, केक के ऊपर ठहरेगी नहीं। जब ये हो जाए ना अजीब सी, जो आपने आपको बताया था स्टिफ की, जब ये वैसी हो जाए ना तो फिर आपने इसके अंदर डाल दी, ठीक है।
आपकी व्हिपिंग क्रीम तो हर कोई दे रहा है, आपका फ्रेश क्रीम हर कोई दे रहा है, आपकी फ्रेश क्रीम का टेस्ट क्यों कैसे अच्छा होना है और क्यों अच्छा होना है वो ये है, ठीक है। आपकी फ्रेश क्रीम का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, आपका केक जो है वो आपका फ्रेश क्रीम केक जो इतना बेसिक केक है वो डिफरेंट होना चाहिए उन लोगों से जो ऑलरेडी ये केक्स दे रहे हैं, ठीक है, ताकि लोग कहें ना, मतलब जब भी आप एक्स वाई ज़ेड अपना कोई ब्रांड शुरू करती हैं तो लोग कहें नहीं जी मैंने किचन क्यूजीन का, आपने तकरीबन मुझे अंदाज़ा है लेकिन मैं आपको क्वान्टिटी बता रहा हूँ 3 टेबल स्पून, ठीक है, एसेंस हो तो आपने इसके अंदर पाइनएप्पल एसेंस के भी 2 से 3 ड्रॉप्स जरूर डालने ताकि फ्लेवर अच्छा आए, पाइनएप्पल कैन वाला पड़ा है, चाहे तो हॉट डार्क भी कर सकते हैं और चाहे तो फिर आप लाइट भी रख सकते हैं और वाइट तो आप रख ही सकते हैं। और आपने बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से बिल्कुल भी नहीं करना, खासकर जबकि केक बिल्कुल भी यहाँ पर आगे ना आपने अपना जोर कम से कम लगाना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जोर लगाएंगे तो नीचे वाले स्पंज के ऊपर असर पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके बॉर्डर थोड़े से खाली रह भी जाए ना, इस तरह ये रह रहे हैं, ये जब आपने बस इसको सेंटर में अच्छी तरह और इक्वली आपने करना है, ठीक है। थोड़ा सेंटर पिन, थोड़ा साइड, थोड़ा सेंटर पिन, थोड़ा साइड। सेंटर फील्ड केक्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और सेंटर फील्ड्स कोई कोई ही बना सकता है और उनकी टेक्निक यूजुअली जो बनाते हैं ना उनकी टेक्निक यही होती है, वो सेंटर से थोड़ा सा खड्डा कर लेते हैं, क्या मतलब समझ लें आप, थोड़ा डीप कर लेते हैं उसको और उसके बाद उसको मतलब वो फॉश कर देते हैं। अब वो बैलेंस हो जाता है लेकिन आपने शुरू ऊपर से करना है, ठीक है। जब ऊपर लोडेड डेकोरेशन करनी है ना इसको, जब आपने करना है ना, मतलब ज़रूरी नहीं कि आपने क्रम कोट के बाद इसको प्लेन करना है, अगर आप बटर क्रीम के साथ कर रहे हैं, अगर आप डिफरेंट डिज़ाइंस बना रहे हैं ना, तो आप मैं आपको बल्कि 2-4 बना के भी दिखाता हूँ इसके, तो ये उसके लिए भी क्रम कोट ताकि वो जुड़ जाए। अगर आप सिंपल स्पंज के साथ अगर आप वो फ्लावर्स बनाने लग जाओगे ना, तो आपका केक मतलब वो जो फ्लावर्स हैं उसके साथ अटैच ही नहीं होंगे।